कैसे आप सब लोग, हम आपके लिए लाए हैं आज एनिमल बेबीज का पार्ट टू। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम बिना टाइम पास किए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 5, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग जंगली कुत्तों की एक प्रजाति है और इसे पेंटेड डॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके शरीर पर जो पैटर्न होता है ऐसा लगता है कि इसने पेंटिंग की हो। वैसे ये खतरनाक होते हैं लेकिन इनके बच्चे नहीं। जरा ये देखिए, इनके बच्चे देखने में एक नॉर्मल कुत्ते के बच्चे जैसे ही लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मन शेफर्ड। तो इनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन इनके बच्चे थोड़े कम खतरनाक नहीं होते। इनके बच्चों के पास भी काफ़ी बाइट फोर्स होता है और इनके बच्चे दौड़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं। वैसे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग भी काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं अपने बच्चों की तरह ही, क्योंकि अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के दौड़ने की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये खरगोश से लेकर वाइल्डबीस्ट तक के बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है एंट ईटर। नहीं, ये कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है, ये एक जानवर है। इस जानवर का नाम है एंट ईटर। एंट ईटर देखने में काफ़ी प्यारे से होते हैं, ये कई तरह के रंगों में भी पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन भले ही ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होते हैं और ग्रे भी, लेकिन फिर भी इनके रंग कई जगहों पर अलग अलग होते हैं। एंट ईटर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये चींटियों को खाता है और इसे हिंदी में चींटी खोर भी कहते हैं। एंट ईटर की जीभ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और मामा एंट ईटर बेबी एंट ईटर को अपनी पूंछ पर रखकर ले जाती है, और इसका रंग पूंछ के रंग से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इस तरह से बेबी एंट ईटर्स प्रोटेक्टिव होते हैं, और एंट ईटर्स साइज में ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन जॉइंट एंट ईटर एक जैगवार या उससे थोड़े बहुत बड़े होते हैं। और एंट ईटर की एक प्रजाति पाई जाती है तमिंगुलू, जो कि काफ़ी छोटी होती है, और नॉर्मल एंट ईटर थोड़े बड़े होते हैं। और एंट ईटर चींटी के अलावा दीमक का भी शिकार करते हैं। नंबर 3, चिंचिला। हाँ, भले आप भी कोई इस जानवर का नाम कितना भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन जो भी हो, इनके बच्चे होते काफ़ी प्यारे हैं। ध्यान से देखिए ज़रा, इनके बच्चे किसी हैमस्टर की तरह दिखाई देते हैं। हाँ, इनकी पूंछें भी एक नॉर्मल चूहे से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है। चिंचिला साइज में किसी बहुत छोटे से खरगोश के बराबर होते हैं और ये चूहे की प्रजाति के सबसे क्यूट जानवर होते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है पेंगुइन। पेंगुइन काफ़ी बड़े लैंड बर्ड्स होते हैं, लेकिन इनके बच्चे साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर कलर्स को छोड़ दिया जाए तो इनके बच्चे काफ़ी हद तक इनकी तरह ही दिखते हैं। हाँ, कुछ पार्ट्स को छोड़कर जैसे कि चोंच, पेंगुइन्स की कई प्रजातियाँ होती है, जिसमें सबसे बड़े होते हैं एम्परर पेंगुइन्स और सबसे छोटे होते हैं फेरी पेंगुइन्स। पेंगुइन्स के बच्चे देखने में आपको आज तक के सबसे क्यूट वाले बच्चे लग सकते हैं। वैसे इनके बच्चे काफ़ी हद तक सॉफ्ट टॉय की तरह भी दिखते हैं। हाँ, इनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, बड़े होते होते इनका लुक काफ़ी हद तक बदल जाता है और इसके बच्चे भी थर्ड सेहत कर सकते हैं। नंबर 1 पर आ जाता है क्रोकोडाइल। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रोकोडाइल। लेकिन आप सोचोगे ऐसे जानवर को इस लिस्ट में क्यों बनाया। भले ही क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर माने जाते हैं और ये काफ़ी हद तक हैवी, लेकिन इनके बच्चों की बातें कुछ और है। ज़रा ध्यान से देखिए, इनके बच्चों को देखकर लगता है कि ये कोई छिपकली है। ये मगरमच्छ के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लगते। वैसे इनके बच्चों की आवाज़ कुछ ऐसी होती है, लेकिन भी इनके बच्चे देखने में थोड़े से खतरनाक से लगते हैं, क्योंकि इनके दांत फिर भी बहुत नुकीले होते हैं। वैसे बचपन में भी इनका वाइट फोर्स काफ़ी होता है, अगर ये आपको काट ले तो थोड़ी बहुत चोट लग सकती है। पर मगरमच्छ वैसे ज़्यादा शार्प स्वभाव के तो नहीं होते, लेकिन हाँ, लोग समझते हैं कि ये बहुत आलसी होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बिजली की तेज़ी से हमला कर सकते हैं और ये साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। इनके बच्चों को देखकर नहीं लगता कि ये इनके ही बच्चे होते हैं। तो कैसी थी हमारी ये वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस बार हम रखते हैं 3 लाइक्स का। जैसे इस वीडियो पर 3 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक बाय बाय।